छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चुनावी समर में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। आज नामचीन हस्तियों सहित 500 के करीब लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है। इसके बाद से बीजेपी का आत्मविश्वास और बढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बीजेपी में प्रवेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने खास बातचीत की है सहयोगी अंबिका मिश्रा ने। अगर हम विधानसभा चुनाव को लेकर के अब राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अब पूरी तरह से तैयारी में आ चुकी है और या इसी कड़ी पर यहां पर सदस्यताओं की भी यहां पर हो रही है। हम सीधे बात करेंगे जो है लगातार जिसमें भाजपा में लोग प्रवेश कर रहे हैं, क्या कुछ रणनीति रहेगी और किन मुद्दों को लेकर एक बार फिर से आप जनता के बीच। बड़े महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं, पद्मश्री अनुज शर्मा से लेकर बारले जी पद्मश्री है, नायक जी समाज के प्रतिष्ठित है, सैकड़ों लोग साथ आ रहे हैं, उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। अगली जो सरकार जो है आप लोग कितने सीट लाने का दावा करते हैं, जिस प्रकार से अभी लगातार प्रभारी का दौरा का आंकड़ा नहीं मगर वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जी। देखा ये हमारी खास चर्चा थी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने, जिन्होंने कहा है कि अभी हम सीटों की हम अभी अनुमान नहीं लगा सकते लेकिन फिर भी अगले आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी फिर से वापस सत्ता में काबिज होगी, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का। अब देखने आने वाली बात होगी कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता आखिर किसे चुनती है। कैमरा पर्सन ताकेश्वर साहू के साथ अंबिका मिश्रा रफ्तार।